मनिया, दिलावर ने मुनीर को दरगाह पर घेर लिया है। जा रहा है जो काम अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करने हैं। दिलावर को उसके भाई के पास पहुंचाने हैं। अगर खुदकुशी करनी है तो पंखे से लटक जा। दिलावर को अपनी जान तोहफे में क्यों दे रहा है? तुझे अब मुझ पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है मनिया, वक्त की है। वक्त की फितरत में ही बेवफाई है। कल हमारी गोद में बैठा था, आज उसकी। तो तू क्या चाहता है कि मैं चूहे की तरह डर के मारे बिल में छुपा रहूं? हाँ, ताकि हमने जो गलती की आज वो कर सके। हमें कमजोर समझने की गलती। और फिर जब वक्त दोबारा पलटी मारेगा तब तू दिलावर को मारेगा। ठीक है, मैं अभी तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं हूं। खुले मैदान में सांप को मारना ज्यादा आसान है। वो बिल में घुस गया तो उसके जहर से बचना नामुमकिन है। नजर हम भी रखते हैं पुलिस वालों पर। यह तो मैं तुझे यहां देखकर ही समझ गया था। बोल क्या चाहिए? मैंने सुरवे मुर्दा भूसे का ढेर है शहर, और मैंने इस भूसे में छिपी हुई सुई मेरे आदमी से ढूंढ नहीं पा रहे, और अगर उसे कोई ढूंढ सकता है तो सिर्फ तू। मुंह मांगी कीमत दूंगा तुझे मनिया को मारने की। तेरी सरकारी गोली में जितना लोहा ठोक दे उसके अंदर। ये वर्दी मैंने तेरा शूटर बनने के लिए नहीं पहनी है,
चल निकल यहां से, समझ लूंगा तेरा मेरा एनकाउंटर हुआ ही नहीं। एनकाउंटर यानी कि मुलाकात, अच्छा लफ्ज है, तो करा दे मणि का मौसम एनकाउंटर। पैसा और मेडल दोनों दिलवा दूंगा। मैंने क्या कहा, तूने सुना नहीं? जहां दिखे ठोक देना साले को, शूट आउट या एनकाउंटर कोई भी नाम देकर केस क्लोज कर देना। ऊपर से डिपार्टमेंट से इंक्वायरी नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी। देख दिलावर, दो वक्त की रोटी कमाता हूँ, पांच वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, इससे ज्यादा मेरी जरूरत नहीं है, और मुझे खरीदने की तेरी औकात नहीं। तू नहीं बिकेगा तो तेरे ऊपर का बिकेगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो ठोकेगा ना, ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा। हाँ फक, ऐसी भी क्या जल्दी थी जो कल तक नहीं रुक सके? आज पता चला सर कि हमारी वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है, ताकि कोई भी आखिर इस पर हक दे तो दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या हुआ? आज दिलावर आया था इस पर हक ले, मनिया सुरवे की सुपारी दे रहे, वो भी एक पुलिस अफसर को, कहने लगा उड़ा दो उसको, इनकाउंटर कर दो उसका। पहले पैसों की लालच दी, फिर ऊपर से ऑर्डर की धमकी, जी क्या उसे ही वहां ठोक दो। पर कैसे करता सर, पेशाब करने से पहले जिप खोलने की इजाजत भी लेनी पड़ती है हमें। मुजरिम हाथ में भी हो तो पहले सबूत और गवाह ढूंढने पड़ते हैं, फिर एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, फिर वारंट निकलता है, तब तक गवाह या तो खरीदा जाता है या मारा जाता है, और मुजरिम साला आजाद। हमसे तो अच्छी रांड है सर, रांड। वो पैसे लेकर कम से कम ग्राहक को मजा तो देती है, हम क्या करते हैं? हम पहले शपथ लेते हैं, फिर तनख्वाह लेते हैं, फिर पुलिस स्टेशन में बैठकर तमाशा देखते हैं, और मुजरिम कानून को हाथ में लेकर कानून से खेलता है। जो बोलना था बोल लिया, अब मैं बोलूं? ठोक डाल मनिया सर्वे को, जिल्म दिलावर के लिए नहीं, ना ही ऊपर से किसी के ऑर्डर के लिए, इस वर्दी के लिए, खाकी की इज्जत के लिए। दिलावर ने कहा था कि मैं नहीं तो मेरा ऊपर वाला बिकेगा, कितने में बिके सर? तुम्हें क्या लगता है, ईमान सिर्फ तुम्हारे पास ही है? अफाक इस वर्दी का रंग खाकी किस लिए पता है? क्योंकि ये रंग उस मिट्टी का भी है जिसमें हर पुलिस वाला मिलने के लिए भी और मिलाने के लिए भी तैयार है। तो फिर मनिया है क्यों, दिलावर क्यों नहीं? ओह कमान, किसी को भी मारो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मनिया जेल से भागा हुआ मुजरिम है ये सभी जानते हैं। दिलावर ने शराफत का नकाब बड़ी समझदारी से पहन रखा है, अगर उसे मारोगे तो सवाल खड़े हो जाएंगे, और मनिया को मारोगे तो मुजरिमों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फिर भी फैसला तुम्हारे हाथ में है, किसी एक को चुनना होगा। मनिया सर, मैं मनिया को चुनता हूं। वेलकम ऑफिसर्स, आज तक किसी भी मुल्क के किसी भी पुलिस अफसर को ऐसा मौका नहीं मिला होगा जो आज हमें मिला है, जहां हम छाती ठोक कर किसी भी मुजरिम को ठोक सकते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जब तक मनिया सुरवे जिंदा है, ना हम सोएंगे ना आराम करेंगे। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। हम सब तीन ग्रुप में होंगे, पहला ग्रुप अमर तुम संभालो, दूसरा मैं, और तीसरा बिंडे तुम संभालोगे। यह फाइल जो तुम्हें दी गई, उसमें मनिया सुरवे और उसके गैंगस्टर्स की तस्वीरें हैं। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन एक अंदाजा लगाने के लिए काफी है। साहब, वो कमरा नंबर 10 में है। चलने का सर, किधर जाऊंगा सर? तेरे को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा जमाल,
तूने मुनीर की जान का सौदा करके बहुत बड़ी गलती की। दिलावर को अभी तेरी जरूरत नहीं और मनिया तुझे अब छोड़ेगा नहीं। वो तुझे जीने नहीं देगा और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मुझे बचा लो साहब, साहब मैं मरूं। तू जहां जहां जब जब छुपने की कोशिश करेगा मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और खुलेआम छोड़ दूंगा ताकि मनिया तेरी गेम खत्म कर दे। बचा लो साहब। लेकिन एक सौदा है जिससे तेरी जान बच सकती है और तू महफूज रह सकता है जेल में। तू मुझे मनिया तक पहुंचने का रास्ता बता। तुझे सरकारी हिफाजत मिलेगी और सरकार को मनिया। अब बोल विद्या साहब। विद्या, विद्या आपको मनिया तक पहुंचा सकती है साहब। मनिया कुटिया है, शिवटी तुला कदी बैठला होता है। देखो इन तस्वीरों में, देखो इन सब ने सिर्फ मनिया का साथ दिया था और देखो क्या असर किया दिलावर ने। मनिया ने दिलावर के भाई को मारा है। सोचो क्या हाल करेगा, उसे ऐसी बुरी मौत देगा कि उसकी लाश ना तस्वीरों में पहचानने के लायक रहेगी ना शमशान में जलाने के। एक बात कहूं, हाजी मकसूद, वसीम लाला जैसे नामी गुनहगार अपना सब कुछ छोड़कर एक आम जिंदगी बिता रहे। हमारी वजह से मनिया भी ऐसा कर सकता है अगर वो हमसे हाथ मिला ले तो। लेकिन आप मनोहर की मदद क्यों करना चाहते हैं? वो तो पुलिस को अपना दुश्मन समझता है, नफरत करता है वो पुलिस से। वो उसकी सोच है। मनिया की मौत से हमें क्या मिलेगा? हम पुलिस वाले किसी को मुजरिम बनने से नहीं रोक सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते कि मनिया जैसे मुजरिम को दोबारा एक अच्छी जिंदगी बिताने का मौका दे सकते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मनोहर की जान को कोई खतरा नहीं है? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मनिया जरूर मरेगा। हेलो। हेलो मनोहर। मनोहर तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहता हूँ, साथ चलेगी? कहाँ? पता नहीं, तू साथ होगी तो कोई मंजिल मिल ही जाएगी। कब? कल 12 बजे वडाला कॉलेज। ठीक है। अंबेडकर कॉलेज वडाला का नक्शा है। कल 12 बजे यहां मनिया सुर्वे आएगा और हम उसे उसकी जिंदगी का आखिरी सबक सिखाएंगे। लेकिन जिस तरह लोमड़ी शिकार करने से पहले खरगोश को दूर से सूंघ लेती है, मनिया सुर्वे भी शिकार होने से पहले दूर से पुलिस वालों को सूंघ लेगा। बंदूक तो उसके पास भी होगी लेकिन उसे समझ नहीं आएगा कि वो निशाना किस पे लगाए। क्योंकि हम वहां वर्दी में नहीं अंडर कवर जाएंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स बनकर, जींस टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज, अपना हुलिया ऐसा बना लो कि आई शपथ मनिया तो क्या अपनी आई अपने को ना पहचान सके। चलो। तुम सबके हाथों में किताबें होंगी, जिनके पन्नों में ज्ञान नहीं बंदूकें होंगी। मैं और अंबर्ट कॉलेज कवर करेंगे और तुम सब भिंडे के साथ रहना रोड ब्लॉक्स के। अगर मनिया ने बाय रोड जाने की कोशिश की तो बाहर जाने के 3 रास्ते हैं, दहिसर, थाना या वाशी। वाशी मैं संभालूंगा, मानी शेट्टी तुम देश से संभालो। यस सर। और जमदाड़े तुम थाना संभालो। यस सर। तू रुक। आई एम सॉरी सर, मैं मूछ नहीं मुंडवा सकता क्योंकि हम लोगों में बाप के मरने के बाद ही मूछ मुंडवाते हैं। तेरा बाप तेरी बात सुनता तो वैसे ही शर्म से मर जाता। एक पुलिस ऑफिसर का बाप घर से तब जीता है जब उसका बेटा मूछ के आठ ड्यूटी के लिए सर कटाने को तैयार हो। चलो।
तुझे करना पड़ेगा मुड़कर। मैं ही क्यों? क्योंकि मनिया सुरवे को किसी पुलिस वाले ने तुझसे ज्यादा करीब से नहीं देखा। तू पोस्टमैन की वर्दी पहनकर कॉलेज के बाहर खड़ा रहेगा और उसे पहचानते ही जो बैग तेरे लेफ्ट शोल्डर पर है उसे राइट शोल्डर पर डालकर हमें सिग्नल करेगा। मैं पोस्टमैन की वर्दी नहीं पहनूंगा। तुझे पहनना पड़ेगा मुड़कर। जब तू बुर्का पहन के घूम सकता है तो पोस्टमैन की वर्दी पहनने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? लेकिन अगर उसने मुझे पहचान लिया तो मुझे? इसलिए यह जरूरी है अमोलकर, इससे पहले कि वो तुझे पहचाने तू उसे पहचान। Thank you.
मनिया सरेंडर हो। सरेंडर। गाड़ी में डालो और साइन हॉस्पिटल ले जाओ। रिपोर्ट दर्ज करो। मनिया सुरवे डेड ऑन अराइवल, किल्ड इन एनकाउंटर, बॉडी को मॉर्ग में भेज दो।